Dear students, once again I am with you with the same chapter of 12th transformation of sentences. Transformation of sentences. Okay, and here have part four transformation of sentences का part four आज हम पढ़ेंगे. Okay, dear students, इससे पहले एक part three में जो discussion हुआ था, I think आपने उसको काफी से समझा होगा, पढ़ने की कोशिश किया होगा. Yes, आज पार्ट फोर पे जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए. ठीक है, देखिए इसमें पार्ट फोर में आपको जो हेडिंग लगेगी टू ट्रांसफॉर्म असर्टिव सेंटेंसेस sentence into interrogative into interrogative यानी हमें सब लोग लगा दिए बेटा to transform assertive sentence into interrogative. ये सही गाइड है. Yes. So, can you transform assertive sentence into interrogative sentence? यानी अगर assertive sentence है तो आप उसको interrogative sentence में कैसे बदलेंगे, आज उसको हमें सीखना है. ठीक. Dear students, एक पॉइंट तो बहुत क्लियर है कि आप जब किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ओके, उसको चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो एक बात मैंने जो आपको बताई थी वो एकदम बिल्कुल क्लियर है कि उसकी मीनिंग नहीं बदलेगी. उसका रूप तो बदलेगा लेकिन उसकी मीनिंग नहीं बदलेगी. यानी आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यहाँ पे भी रूल वही रहेगा कि आप सेंटेंस का रूप तो बदलेगा, असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो हो जाएगा लेकिन उसकी मीनिंग नहीं बदलेगी. अगर मीनिंग बदल जाएगी तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस नहीं होगा, वो चेंज ऑफ सेंटेंस हो जाएगा, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं होगा. तो नंबर एक देखिए इसमें, नंबर वन असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाते समय यदि वाक्य अफर्मेटिव नहीं हो तो उसे निगेटिव बना दिया जाता है, और यदि निगेटिव हो तो उसे अफर्मेटिव बना दिया जाता है, क्लियर है. देखिए जैसा देखिए मैं कहूं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. यस, देखिए मैंने कहा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है, इंडिया की राजधानी है. ये सेंटेंस है असर्टिव. क्या है असर्टिव? क्या है बेटा असर्टिव?
असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है इसको समझ लीजिए। असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, क्लियर? हमेशा किससे शुरू होगा? इन उसका जो पहला पार्ट रहेगा, पहला जो वर्ड रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, इंडिया की राजधानी है। कौन इंडिया की राजधानी है? दिल्ली। क्लियर? कौन से सब्जेक्ट का कौन है किसने से, तो कौन कैपिटल ऑफ इंडिया है? दिल्ली है। सेंटेंस के शुरू में अगर जो वर्ड आ रहा है अगर वो सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि वो असर्टिव सेंटेंस है। और दूसरी पहचान ये है कि उसके आखिर में फुल स्टॉप होगा। क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये असर्टिव है। अब हमें क्या बनाना है? इसका इंट्रोगेटिव। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव जब इसको बनाएंगे तो आप देख लीजिए कि ये निगेटिव वर्ड तो इसमें यूज नहीं हुआ है ना, कहीं पे नॉट नो नेवर आदि यूज नहीं हुआ है। तो जब आप इंट्रोगेटिव इसका बनाएंगे तो इसके अंदर आप इसको निगेशन में रखेंगे, निगेटिव वर्ड लाएंगे, नॉट नो नेवर आदि में से कुछ एक लेकर के आएंगे। यही मैंने बताया था कि अगर अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाते वक्त निगेटिव हो जाएगा, और अगर निगेटिव रहता तो इंट्रोगेटिव बनाते वक्त ये अफर्मेटिव हो जाता। क्लियर? तो देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है। इसमें वर्ब क्या है? इज है। क्या है? इज। इज एम आर वाज वर्ब, ध्यान से सुनिए, इज एम आर वाज वर्ब। अगर ये मेन वर्ब होगा ठीक, तो आप इसको क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट से पहले ला दीजिए। कहां ला देंगे? पहले ला। इज एम आर वाज वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो भी ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। क्लियर है? इस एम आर वाज वर्ब या मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, इंट्रोगेटिव बनाते वक्त उसको आप सब्जेक्ट से क्या करेंगे, पहले ला देंगे। तो दिल्ली इज है तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज दिल्ली। क्या हो जाएगा? इज दिल्ली। ओके, अब इसको नॉट निगेटिव बनाना है, नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। अभी क्वेश्चन मार लेंगे, देखिए, इज दिल्ली नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या लेंगे क्वेश्चन मार। अब ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। क्या हो गया बेटा? इंट्रोगेटिव। ठीक है ना? क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। अब देखिए मीनिंग जरा देखेंगे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली है कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी, इंडिया की राजधानी। इज दिल्ली नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है? आपसे कोई ऐसा पूछे क्या दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है, आप क्या बोले? ऑफ कोर्स है। क्लियर है? जैसे मैं कहूं कि क्या मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं, आप क्या बोले? बस है सर। क्लियर है? सेंस देखा जाएगा। क्या देखा? सेंस दे, दोनों की मीनिंग सेम आ रही है। आप कह रहे हो कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, इज दिल्ली नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं है, यानी दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। देख लीजिए, सेम मीनिंग आ गया। अब इसमें नॉट नहीं था तो आपने नॉट लगा दिया। क्लियर है? इसमें दो चेंज करना पड़ता है, एक तो इंट्रोगेटिव बनाना पड़ता है और साथ साथ आपको अगर निगेटिव वर्ड है तो हटाना पड़ेगा, और नहीं है तो उसको लगाना भी पड़ेगा, तब सेंस सही आएगा, तब सेंस करेक्ट आएगा। अगर नॉट यहाँ पर नहीं लगाते तब ये करेक्ट। क्या दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन हो जाता है, क्या दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आपको बताना पड़ेगा है कि नहीं है, यानी ये क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन नॉट लगा देने से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये एक प्रकार से आपने स्वीकार किया है कि दिल्ली इंडिया की राजधानी है। तो क्या हुआ? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, इज दिल्ली नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं है? बिल्कुल है। जैसे मैं कहूं क्या मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं, कोई तुम्हारा फ्रेंड पूछे क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तुम्हारे पिता पूछे क्या मैं तुम्हारा फादर नहीं हूं, आप क्या बोलते हो? हां है। ये आप समझिए, इस तरीके से आप जो है इसको समझ सकते हैं। देख, अब ये देखिए,
मैं कहूँ I do not abuse you. I do not abuse you. मैं तुम्हें गाली नहीं देता. देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए. Yes, I do not abuse you. मैं तुम्हें गाली नहीं देता. ये सेंटेंस असर्टिव है. असर्टिव कैसे? इसमें पहला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है. मैं तुम्हें गाली नहीं देता. कौन गाली नहीं देता? मैं. कौन नहीं देता? मैं. आप देख रहे हैं कि वर्ब से पहले है या शुरू में है, तो ये क्या होगा? असर्टिव है. ये क्या है? असर्टिव. अब हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है. क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है. क्लियर है? अब इंट्रोगेटिव बनाते हो देखिए, अगर असर्टिव में नॉट है, निगेटिव है, तो वो नॉट हट जाएगा, वो अफर्मेटिव हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? आई डोंट नॉट एब्यूज यू. अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे. यहाँ पे डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है. क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब, एक्सेसरी वर्ब, कुछ भी इसको बोल सकते हो. ये डू कहाँ आएगा? पहले आ जाएगा. आप सब जानते हैं क्या होगा? डू आई नॉट तो हट जाएगा. एब्यूज यू क्वेश्चन बन गया. अब देखिए, आई डू नॉट एब्यूज यू. मैं तुम्हें गाली नहीं देता. डू आई एब्यूज यू? क्या मैं तुम्हें गाली देता हूँ? क्या मैं तुम्हें गाली देता हूँ? दैट मीन्स मैं गाली नहीं देता. जैसे मैं कहूँ क्या मैं चोर हूँ? क्या मैं चोरी करता हूँ? आप क्या बोलोगे? नहीं सर. यानी आप ये जो निगेटिव था वही यहाँ पे भी आता है, नहीं माना आ रहा है. क्या है? आई डू नॉट अब्यूज यू. मैं तुम्हें गाली नहीं देता हूँ. डू आई अब्यूज यू? क्या मैं तुम्हें गाली देता हूँ? दैट मीन्स तुम्हें गाली नहीं देता हूँ. क्लियर है? तुम्हें क्या मैं तुम्हें धोखा देता हूँ? क्या मैं तुम्हें धोखा देता हूँ? क्या मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ? दैट मीन्स पढ़ाते हैं सर, आप धोखा नहीं देते हैं. ये चीज़ है, आप समझिएगा. क्लियर है? इसको राइट डाउन करिए, इसको लिख लीजिए. क्या करता है? यस क्लियर. लिख लीजिए. Yes, yes, okay. Yes. Number 2. Yes, students, I think यू मस्ट बी एंजॉइंग द क्लास. आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा. ठीक, पूरी ट्राई करिए, अच्छा करेंगे. ठीक, देखिए नंबर 2 में लिखिए, यदि यदि वाक्य में नेवर हो तो यदि वाक्य में नेवर हो तो उसे एवर से बदल दिया जाता है. उसे एवर से बदल दिया जाता है. देखिए नेवर हो तो उसे एवर से बदल दिया. नेवर निगेटिव है, एवर कर देंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा. क्लियर है? नेवर क्या है? निगेटिव है, निगेशन है, निगेटिव वर्ड है. एवर कर देंगे तो क्या हो गया? उसका अफर्मेटिव बन जाएगा. ठीक, ये देखिए, I will never cheat you. आप सोच रहे क्या है? I will never cheat you. मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा. I will never cheat you. मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा. यस, देखिए ये असर्टिव है. क्या है? असर्टिव. पहला वर्ड सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये असर्टिव. तो कौन है? मैं. तो मैं जो है वो सब्जेक्ट है. जो वर्ब को करता है वो सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट पहले है, इसकी मीनिंग ये है कि क्या है? असर्टिव है. अब देखिए, आई विल नेवर चीट यू. मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देता हूँ. अब इसमें नेवर आ गया. नेवर का मतलब निगेटिव है. क्या है? निगेटिव है. तो मैंने कहा नेवर के लिए आप क्या लगा देंगे? एवर लगा देंगे. बाकी आप इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे.
अब देखो बी जो है एग्जेक्टिव वर्ब है, क्या बेटा एग्जेक्टिव वर्ब बोलो, हेल्पिंग वर्ब बोलो, जो भी इसको बोलो बोलो। अब जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग या एग्जेक्टिव वर्ब कहां जाता है, सब्जेक्ट से पहले, क्या हो जाएगा विल आई, क्या हो जाएगा बेटा ये विल आई। अब बच्चा नेवर, नेवर को किस में शिफ्ट करेंगे, एवर, एवर चीट यू। अब इंट्रोगेटिव हो तो क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट, आप भूलिएगा मत इसको, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए जब इंट्रोगेटिव। आप कह रहे हैं मैं इंट्रोगेटिव बनाया हूं सर, तो आपको क्वेश्चन मार्क्स के की रिक्वायरमेंट्स होगी, विदाउट क्वेश्चन मार्क इट कैन नॉट बी ओके, इट कैन नॉट बी राइट, इट विल बी रॉन्ग। तो क्या हो गया, आई विल नेवर चीट यू, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। विल आई एवर चीट यू, क्या मैं तुम्हें कभी धोखा दूंगा, यानी कभी भी धोखा नहीं दूंगा। यस, मैं कहूं क्या मैं तुम्हें कभी गाली दूंगा, यानी कभी भी गाली नहीं दूंगा। ठीक, क्या मैं तुम्हें कभी मारूंगा, यानी मैं कभी भी नहीं मारूंगा। देखिए इसको समझिए सर, आई विल नेवर चीट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं धोखा दूंगा। विल आई एवर चीट यू, क्या मैं तुम्हें कभी धोखा दूंगा, दैट इज कभी भी धोखा नहीं दूंगा। डियर स्टूडेंट्स इसको समझने की कोशिश करिए, दोनों बातें क्या हो रही है, सेम हो रही है, बस फर्क ये है कि एक जो है वो असर्टिव फॉर्म में है और दूसरा इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। आपने असर्टिव से इंट्रोगेटिव चेंज किया, ठीक, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ, दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। दोनों के जो आप देखेंगे जो भाव है, ये जो आप क्या बोलते हैं हिंदी में भाव बोलते हैं, दोनों का क्या है, सेम है। इसको देखिए, लिख लीजिए इसको, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में सब्जेक्ट, यदि वाक्य में सब्जेक्ट एवरीबडी या एवरीवन, यदि वाक्य में सब्जेक्ट एवरीबडी या एवरीवन हो तो, एवरीबडी या एवरी वन हो तो, तो इसे या इन्हें लिखो, तो इन्हें इन्हें हो से बदल दिया जाता है, इन्हें हो से बदल दिया जाता है। ठीक, इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो किसे बदल देंगे, इन्हें हो से बदल देंगे। अब ये देखिए, एवरीबडी वांट्स टू बी, एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, एवरीबडी मतलब प्रत्येक, एवरीबडी मतलब प्रत्येक, एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, प्रत्येक चाहता है टू बी रिच, धनी होना, प्रत्येक चाहता है धनी होना, एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, प्रत्येक चाहता है धनी होना। अब देखिए ये असर क्या है, क्लियर है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एवरीबडी है, कौन चाहता है, प्रत्येक, वांट वर्ब है, एवरीबडी उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जब वर्ब से पहले आता है, क्लियर है, यानी शुरू में जब आता है तो वो क्या होता है बेटा, वो असर्टिव होता है। ठीक, एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, अब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो मैंने कहा कि एवरीबडी या एवरीवन अगर सब्जेक्ट है तो आप उसको हटा के उसकी जगह क्या कर देंगे, हु लगा देंगे। ठीक, दूसरी चीज देखिए, ये इसमें निगेटिव वर्ड कहीं नहीं है, ये अफर्मेटिव है, निगेटिव कहीं नहीं है, तो जब आप इसको बनाएंगे तो इसको निगेटिव बनाएंगे, क्लियर है। अब एवरीबडी वांट्स टू बी रिच प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव कैसे बनता है आप सबको पता है, हु does not live, तो बोल सकते हैं who does not want, s तो हट जाएगा, s तो who के साथ does में, s का जो है does में आ गया है, s। अब देखिए want
टू बी रिच। अभी क्वेश्चन अब जरा देखिए, एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, प्रत्येक चाहता है टू बी रिच, धनी होना, प्रत्येक चाहता है धनी होना। हु डज नॉट वांट टू बी रिच, कौन नहीं चाहता है धनी होना। देखिए हर एक चाहता है धनी होना। हु डज नॉट वांट, कौन नहीं चाहता है धनी होना, यानी हर एक तो चाहता है धनी होना। मतलब कौन नहीं है, तुम में से पास होना चाहता है, कौन तुम में से पास होना नहीं चाहता है, मतलब हर एक ही तो पास होना चाहता है, सबसे सब तो चाहते हैं पास होना। डियर स्टूडेंट्स बात समझिए, तो एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, हर एक प्रत्येक सब के सब चाहते हैं टू बी रिच, क्या होना, धनी होना। हु डज नॉट वांट टू बी रिच, आखिर कौन है जो नहीं चाहता है धनी होना, आखिर कौन है हम से जो नहीं चाहता है धनी, हर एक तो चाहते हैं धनी होना, यानी हर एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, हर आदमी चाहता है क्या होना, धनी होना। यस स्टूडेंट्स देखिए, मैं समझता हूँ कि मीनिंग क्लियर हो रही होगी, ठीक। इसको आप चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, आप होंगे हो को हटा के भी आप बना सकते थे, लेकिन ये ज्यादा बेटर नहीं है। फिर भी देखेंगे क्या हो सकता है, डस एवरीबॉडी नॉट वांट टू बी रिच, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। देखिए डस एवरीबॉडी नॉट वांट टू बी रिच, टू बी रिच, एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, हर एक चाहता है रिच होना। डस एवरीबॉडी नॉट वांट टू बी रिच, क्या प्रत्येक नहीं चाहता है रिच होना, सब चाहते हैं रिच होना। क्या प्रत्येक नहीं चाहता है धनी होना, यानी सब चाहते हैं क्या, धनी होना। ये बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस, लेकिन बेटर ये, बेटर क्या बेटा, पहला आपको जब कभी कन्वर्ट करना है, आपको कोई ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप जो है बेटर की तरफ चलिएगा। कोई बच्चा अगर ये बना रहा है तो गलत नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इस वजह से कभी आप जो है इसको जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने के लिए और ये सेंटेंस आ जाए तो मैं परेशान ना हो जाए, देख लीजिए इसको लिखिए, ठीक है, राइट डाउन। यस यस फ्रेंड्स, यस आज मैंने थ्री पॉइंट्स क्लियर किया है, और भी रूल जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा इसके और क्या क्या रूल्स हैं, लेकिन अभी मैंने थ्री रूल्स आपको बताए हैं, इसको आप बार बार देख लीजिए। कल मैं आपके कमेंट्स लिख रहा था, उसमें कुछ बच्चों को जो इससे पहले जो अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर उस पर थोड़ा सा फिर से आप जो है उसको देख लें, उसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आई है बच्चों को, एस सून एस वाले में आई है और डिग्रीज में आई है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, देख लीजिए पॉइंट कहाँ लिखा है, फट से देख लीजिए, तो देखिए एक ही तरीका जल्दी करिए, फटाफट देख लीजिए, यस देख लीजिए डिग्रीज वाला, डिग्री हो तो क्या करना है और एस सुनाया जाए तो क्या करना है, जरा देख लीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में आपने नोट किया होगा, देख लीजिए क्या है। अब ये देखिए मैं आपको फिर से बता, इसको लिखना नहीं, देखिए माई पेन इज एस कॉस्टी एस योर पेन, माई पेन इज एज कॉस्टी एज योर पेन, मेरा कलम उतना ही महंगा है जितना कि तुम्हारा कलम, ठीक, मेरा पेन उतना ही महंगा है जितना कि तुम्हारा पेन। यहाँ पे मैंने कहा इस जो पा इस क्या है हिडन, इसकी जरूरत नहीं है तो समझना है, माई पेन इज एज कॉस्टी एज योर पेन। अब ये देखिए इसमें कभी एज एज आ जाए या सो पेन आ जाए तो समझ जाना कि उसके बीच का जो वर्ड होगा वो पॉजिटिव डिग्री होगी, कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री। तो मैंने बताया था आपको कि अगर पॉजिटिव डिग्री रहेगी तो उसको आप निगेटिव बनाते वक्त
किसमें आप कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे, बदलेंगे कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे, क्लियर है अभी आप। और मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को पलट देना, जो बाद में है उसको पहले कर देना और जो पहले है उसको बाद में। बाद में क्या है, योर पेन इज, योर पेन इज, ये इसको पहले लिख दीजिएगा, योर पेन इज। अब आपको निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, निगेटिव, तो आपको नॉट को लगाना पड़ेगा, बिना नॉट के कहोगे नहीं, क्लियर है, नॉट ओके। अब एस कास्टिंग एस है, कास्टिंग को हम कंपैरेटिव डिग्री में ले जाएंगे, जब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो एस एस या सो एस जो है वो हट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ रहता है, जब ये पॉजिटिव नहीं रहेगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देंगे, कास्टिंग का हम कंपैरेटिव कर देंगे और ये हो जाएगा कास्टियर, क्या हो जाएगा, कास्टिंग का कंपैरेटिव करता है कास्टियर। अब जब आपने कंपैरेटिव बना दिया है तो कंपैरेटिव को फोर बार आप क्या लगाते हैं, दैन, क्या लगा देते हैं, दैन, क्लियर है, फिर उसके बाद जो बात पहले है उसको बात नहीं करते, क्या देगा, माई पेन, देखिए ध्यान से, अब नॉट करते हैं निगेटिव हो गए, ठीक, तो माई पेन इज एज कॉस्टली एज योर पेन, इतना मैं बता रहा हूँ इससे पहले आज का नहीं है, अफर्मेटिव से निगेटिव बता रहा हूँ, योर पेन इज नॉट कॉस्टियर देन योर पेन, यहाँ पे माई पेन इज एज कॉस्टली एज योर पेन, मेरा कलम उतना ही महंगा है जितना कि तुम्हारा कलम, नीचे है योर पेन इज नॉट कॉस्टियर देन माई पेन, तुम्हारा कलम अधिक कॉस्टियर नहीं है, महंगा नहीं है मेरे कलम से, दूसरी मीनिंग योर पेन इज नॉट कॉस्टियर, तुम्हारा कलम अधिक महंगा थोड़ी है मेरे कलम से, थोड़ी है, थोड़ी है, ये निगेटिव मतलब मैं तुमसे कमजोर थोड़ी हूँ, थोड़ी मतलब नहीं हूँ, क्लियर है, मैं तुमसे कमजोर थोड़ी हूँ, आप अपनी जबान में बोलते हो, हम जिस एरिए में रहते हैं बोला जाता है, ठीक है ना, मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, दैट मीन्स क्या है, मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, मतलब क्या हुआ, मैं तुमसे कम नहीं हूँ, या क्या हुआ, माई पेन इज एज कॉस्टली एज योर पेन, मेरा कलम उतना ही महंगा है जितना कि तुम्हारा कलम, योर पेन इज नॉट कॉस्टलियर देन माई, तुम्हारा कलम मेरे कलम से महंगा थोड़ी है, बड़े आए वक्त आने वाले ऐसा बोल देना, थोड़ी है ना, जितना महंगा तुम्हारा था मेरा, तुम्हारा घर मेरे घर से अच्छा थोड़ी है, मतलब क्या हुआ, जितना तुम्हारा घर अच्छा होता मेरा भी घर अच्छा, तेरा गाँव मेरे गाँव से अच्छा थोड़ी है, ये नहीं ऐसी आती, तो फिर बच्चों को यह था कि सर इसको जो है थोड़ा सा करिए, तो इसको मैं एक एस एस वाले भी एग्जाम्पल एक पर्व में समझा दें आपको, ये देखिए जैसे एस सोन एस द लाइट केम ओके कॉमा वी स्टार्टेड रीडिंग, यस, एज सून एज द लाइट केम वी स्टार्टेड रीडिंग, जैसे ही द लाइट केम, लाइट आई, वी स्टार्टेड रीडिंग, हम पढ़ना शुरू कर दिए, जैसे ही लाइट आई हम पढ़ना शुरू कर दिए, हम पढ़ने लगे, ठीक। अब एज सून एज वाला रोल देखिए, निकालिए फटाफट स्टूडेंट्स, निकालिए, यस यस, सबको मैं देख रहा हूँ यहाँ से, जबकि कोई दिख नहीं रहा है, नहीं, यस आई, बस इमेजिन कर रहा हूँ, सभी लोग क्लास में बैठे हैं अभी, कौन किधर बैठा है ये समझ में आ रहा है, ठीक, देखिए देखिए नेम मैं नहीं ले रहा हूँ, बहुत लोगों के नेम याद आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, फला का नाम ले रहे हैं, आई मिस ऑल ऑफ यू, सभी को मैं मिस कर रहा हूँ, सब लोग मुझे जो है इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, सभी जो दिमाग में आ रहे हैं, अच्छे देखिए बेटा निकाल लिया होगा आपने, देखिए होगा, देखिए, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि एस सुन एस को आप नो सुनर बदल देंगे, किसे बदल देंगे, यस नो सुनर, किसमें आप बदल देंगे, नो सुनर, निगेटिव से जब बनाएंगे एस सुन एस को किसे बदल दिया आपने, नो सुनर में, उसके बाद मैंने बताया कि एस सुन एस के बाद वाला जो क्लास है, कॉमा तक जो क्लास है, उसको आप इंट्रोगेटिव का रूप दे देंगे, इसको इंट्रोगेटिव बना देंगे, तो द लाइट ए का इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड द लाइट कम हो जाएगा, जो लोग इंट्रोगेटिव बना सकते हैं समझ सकते हैं कम हो जाएगा,
बाद जो कॉमा आएगा बीच में उसकी जगह हम क्या लगा देंगे दैट, क्या लगा देंगे दैट। एक जैसे है वैसा उतार देंगे स्टार्टेड new class at the same chapter. Okay, thanks.